थाना ट्रांसिट पुलिस के तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सुनार की दुकान से हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस कार्यालय में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि 27 जुलाई को ट्रांसिट कैब क्षेत्र निवासी प्रांजल रस्तोगी पुत्र राजेश रस्तोगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी अल्मोड़ा पहाड़ी सुनार के नाम से दुकान है। दुकान के 50 लाख रुपए से अधिक कीमती जेवरात और नगदी चोरी हो गई। पुलिस ने आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सीसीटीवी फुटेज में कई संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों ने चोरी की घटना को कबूल किया। तीनों की निशानदेही पर चोरी किए जेवरात समेत नकदी भी बरामद की गई है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। बस एक दिन पहले ही हमको मतलब परसों रात को एक सूचना मिली थी कि एक ज्वेलरी शॉप में ट्रांजिट कैंप से ज्वेलरी शॉप में पूरा ज्वेलरी शॉप सफाचट हो गई है। संपूर्ण ज्वेलरी शॉप के सारे गहने गायब हो गई हैं। तो एक व्यापक चोरी का नकबजने का मामला था। बहुत सीरियसनेस को देखते हुए हमने SHO भारत हो गया और अरविंद बहुगुणा, उसके अलावा हमारा COCT ASP निहारिका को हमने टीम मौके पर भेजा था। घटना को चंद्रशेखर गोडके सुपरवाइज कर रहे थे। तो चीज़ें बहुत काफ़ी डाउटफुल था। वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिकल वर्क्स चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कटा हुआ था, CCTV काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आसपास के कैमरास को देखने के बाद मोहल्ले गया तो एक इलेक्ट्रिशियन पे शक गया जो वहीं पे काम कर रहा था, बहुत शातिराना अंदाज में। उसके अगले दिन भी वो काम पे आया था। तो पुलिस ने व्यापक तौर पर मैनुअल और टेक्निकल इनपुट पर काम करते हुए तत्काल जो है अपराधी पर पहुँच गया है। तीन अपराधी इसमें गिरफ्तार, आरोपी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गए। मास्टर माइंड जो है वो इलेक्ट्रिशियन ही था जो वहाँ पर रेनोवेशन के काम करता था, सारी चीज़ें उसने देख लिया था। तो तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और 50 लाख से भी अधिक पेश कीमती ज्वेलरीज, जिसमें 15 किलो सोन चांदी, आधा किलो से भी अधिक मात्रा में सोना और कुंदन की इमिटेशन ज्वेलरीज और 1.4 लाख कैश, मिला के 50 लाख से भी अधिक धनराशि का वर्थ का ज्वेलरीज हमें रिकवर हुआ है। विद इन 24 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर ही चोर के पास पहुंच गई थी पुलिस और इतनी फास्ट पहुंचने से ये लोग माल पा नहीं पाए। तो टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। 2500 रुपये का मेरी तरफ से कैश।